बहुत ही सत्कार जो गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तो जो कुछ मेरे लैक्चर के दौरान मुंबई शहर के वापरिया ज जिस तरह के नाल उत्थे मैं लैक्चर करन तो उत्थों के पुलिस वालों प्रशासन वालों तो संबंधित संस्था जिस दे विच लैक्चर किया जाना सी उस दे विच लैक्चर करन तो रोकया गया। तकरीबन तुसी पंजाबी दियां कुछ अखबारों के पढ़ ही लिया होगा जां वो भी जिहड़े अखबार नहीं पढ़ते शायद मेरे नाल किते ना किते सोशल मीडिया के उपर जुड़े होंगे सी तां अक्सर फेसबुक के उपर या फिर होर जिहड़े सोशल माध्यम से उन्हां दे नाल मैं अपने नाल होईयां इवें दीआं घटनावां जां सिख इतिहास के फलसफे के बारे कुछ ना कुछ गल्लां जिहड़ियां अक्सर सांझियां करदा रहिंदा। सो तकरीबन कुछ समय तो तुसीं सारे जानते हो कि मेरा सोशल मीडिया जिहड़ा फेसबुक पेज जां मेरा जिहड़ी परसनल प्रोफाइल सी वो सारे जिहड़े ने वह ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं इत्थों दी स्टेट दे वल्लों। यूट्यूब जिहड़ी सी वह भी पहला कुछ दिन तो वो उपर कुछ अपलोड नहीं सी हो रहा, हुण शायद वो उपर एक दो लैक्चर जिहड़े ने अपलोड करन दा जतन किया है, तो फिर भी कुछ लिमिटेड जिहड़ी ऑडियंस है वो तक वो पहुँच चुके हैं। खैर जिथों तक असी मुंबई प्रशासन के उस तुगलकी फरमान की गल करनी है वो एक गल बड़ी स्पष्ट सामने आई कि डॉक्टर उद्धव के दा लैक्चर जिहड़ा है वो इस शहर के नहीं हो सकता। उहदा कारण की है कि अमन कानून की जिहड़ी हालात है वो बिगड़ सकती है। और तकरीबन सारे जिस तरह मैनूं सुनने वाले जानते हैं कि मैं इतिहास के उपर सिख विचारधारा के उपर सिख फलसफे के उपर तो खास करके सिख धर्म के बाकी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के उपर तकरीबन 25 साल तो यह लैक्चर से व्याख्यान कर रहा। विदेशों के भी तकरीबन भारत के सारे कोने कोने के भी तकरीबन जिहड़े उस संगत के नाल अपने विचार सांझे वख-वख स्टेजों के उपर जाके किए ने, पर मेरे ख्याल के नाल अजे भी कितने कोई इवें का वर्तारा नहीं वापरिया कि मेरे लैक्चर करन दे नाल कोई अमन कानून की जिहड़ी आ व्यवस्था है वह बिगड़ी हो जिस तरह के नाल कोई हिंसात्मक जड़ा वा उदे तो बाद कोई प्रतिक्रम होया हो अजे तक 25 साल के समय च नहीं होया। पर फिर भी यह गल कह के मेरा लैक्चर करन दे उत्थे जिहड़ी पाबंदी ला देनी कि डॉक्टर उद्धव के दे लैक्चर करन दे नाल इत्थों दे अमन कानून नूं जां इत्थों दे जिहड़े समाजिक हालात ने उन्हां नूं खतरा पैदा हो सकता है, तो मैं सोचदा एक बहुत ही शर्मनाक घटना है इस देश दे प्रशासन दे बारे। बेशक के मुंबई दे विच जिहड़ा मेरा लैक्चर 15 अप्रैल नूं सी उसका विशा सी अकाली फूला सिंह दी शहादत दा जिहड़ा 200 साल सी दिहाड़ा मना रहे हैं उन्हां दे जीवन दे बारे उन्हां दे फलसफे दे बारे जिहड़े संगत दे नाल विचार सांझे करने सी। और खास करके अज जदों मैं अकाली फूला सिंह की शहादत दे उस समागम जिस नूं मुंबई पुलिस दे वल्लों ते प्रशासन दे वल्लों उत्थे करन तों जिहड़ी पूरी पाबंदी ला दित्ती गई उहदे बारे अज मैनूं सरदार कपूर सिंह की एक गल याद आ रही है कि पंजाब कदी भी इस देश का हिस्सा नहीं रहा। और तां हिंदुस्तान ते इस कह सकते हैं भारत के लोगों नूं तां हमेशा ही सिखां दे शुक्रगुजार होना चाहिए कि पंजाब भारत के लोगों सिखां दे वल्लों दिता गया एक सब तो वड्डा तोहफा है। जेकर 18वीं सदी दे विच साडे वडेरियां ने नादर शाह ते अहमद शाह अबदाली वर्गियां दा मूँह ना मोड़िया हुंदा तां शायद कदी भी पंजाब जिहड़ा इस देश का हिस्सा ना हुंदा। पर इस समय जिहड़ा वर्तारा वापरिया गया उस दी थोड़ी सांझ तुहाडे नाल पाउणी बहुत जरूरी है कि तुहानूं पता होवे कि बेशक समाजिक माध्यम दे उपर सोशल माध्यम उपर जिहड़े खाते ने उह बंद कर दित्ते जांदे ने, उत्थे जिहड़े विचार पेश करन दे उपर इस देश दे उपर पाबंदी है। पर जेकर जनतक तौर दे उपर मैं सिख संगत दे नाल भी कोई विचार सांझे करन दा जतन कर रहा तां उत्थों दी पुलिस ते प्रशासन दे वल्लों इह कह के मेरे लैक्चर जिहड़े ने उहनां दे उपर पाबंदी ला दित्ती जांदी है कि कुछ भी होवे डॉक्टर उद्धव के दा लैक्चर इस शहर दे विच नहीं करन दित्ता जाएगा क्योंकि अमन कानून दी हालात नूं खतरा है। सो पहली गल तां इह कि जे तक मैं किहड़ा लैक्चर इवें दा कीता जिस दे नाल अमन कानून नूं खतरा पैदा होया होवे। दूसरी गल कि जिहड़े भी जिन्ने भी अजे तक मैं लैक्चर किए ने उन्हां दे विच जिहड़ियां भी गल्लां सांझियां कीतियां ने मैं हमेशा ही तारीख दे जिहड़े तत्थ ने उह अपने हवालिया सहित सांझे करन दा जतन करदा कि मैं अपने कोलों कदी भी इतिहास दे विच गल करन दा जतन नहीं कीता। सो खैर सिंघ सभा मुंबई दे वल्लों जिहड़ी कि तकरीबन एक सदी पुरानी संस्था है सिखां दी, उन्हां दे वल्लों अकाली फूला सिंह दा 200 साल शहीदी दिहाड़ा मनाउण दे वास्ते नैशनल कॉलेज का ऑडिटोरियम जिहड़ा वह बुक किया गया सी। और मैं थोड़ी जी पिछोकड़ विच होर गल साझी कर दवां कि पिछले साल जून दे विच जदों उत्थों दे नौजवानों दे वल्लों मेरे लैक्चर रखे गए उत्थे गुरद्वारा दशमेश दरबार दादर दे विखे तां उस वेले भी उत्थों दा जिहड़ा एंटी टैररिस्ट स्क्वैड है ATS वल्लों भी अजिवें दा वर्तारा ही कीता गया सी। खैर उत्थे लैक्चर तां हो गए पर जिहड़े नौजवानों ने लैक्चर जिहड़े सीगे उह मेरे रखे हुए सी, एक छोटा वीर रशमीत सिंह सी, एक सिमरन सिंह सी, बड़ी छोटी उम्र दे बच्चे ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਿਤ ਔਰ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕੀ 1984 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਤੇਜਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਿਖਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਲੈਕਚਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ RD&SH ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-23 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 20-3 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 645/20/22 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਰਾ ਵਾਤੂਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
सिंह सभा ने बकायदा तौर के उपर कीर्तनी जथा नाटक की टीम ज मेरा लैक्चर जड़ा सीगा उस सारे की बुकिंग तो बाद सानू सारे उत्थे बुलाया गया और तकरीबन एक वड्डा खर्चा सी कि कीर्तनी जथे बुलाना नाटक की टीम बुलाना मैनू बुलाना सारे तकरीबन बाई एयर गए तो तकरीबन 3000 तो वध किया जाता है कि संगत का जड़ा सीगा उत्थे प्रबंध किया गया जिन्हां विच खास करके विद्यार्थी सी कि जिन्हां नूं इह दस्या जा सके कि अकाली फूला सिंह जिहड़े सीगे ओह सिख इतिहास दे विच अपना की स्थान रखदे ने जां फिर उन्हां दे सिख राज दी कायमी दे विच किस तरह दे नाल अपना योगदान पाया। विसाखी प्रगट दिहाड़े दे उपर यानी कि 13 ते 14 तरीक नूं मेरे दो दिन उत्थे लैक्चर होए उस समय दौरान भी दो बच्चे जिहड़े सी पुलिस दे वल्लों चुक ले गए और बकायदा तौर पर उन्होंने थाने विच सद के एक बच्चा सिमरन सिंह ते एक दा नाम अशमीत सिंह नूं बकायदा दे तौर पर प्रतंग किया गया और उत्थों तक कि जो मैं लैक्चर कर रहा सी उत्थे भी आदमी भेजे गए और उदों तो बाद प्रबंधकां नूं इह गल भी सुनेहा भेजा गया कि जो कुछ डॉक्टर उद्दोके ने बोलिया है उसकी सानू ट्रांसलेशन करके जी भेजी जाए कि उन्हें किस विषय के उपर बोलिया। बेशक इतने जोड़े मैं लैक्चर किए इन्हों मेरे विषय जोड़े पांच ककार सरबत खालसा और पांच प्यारे साहबान इन्हों के उपर जोड़े मेरे लैक्चर से और अचानक की होया कि जो 16 तरीक नूं जिस दिन लैक्चर करना सी ये बुकिंग दे तकरीबन 25 दिन बाद जिस दिन मैं लैक्चर करना सी 15 अप्रैल 2023 एक चिट्ठी जिहड़ी है कॉलेज दे वल्लों जिहड़ी है उह सिंह सभा नूं भेज दित्ती जांदी है जिहदा रैफरेंस नंबर 2962 है जिहड़ी चिट्ठी तुसीं स्क्रीन दे उपर वेख सकदे हो और इस चिट्ठी दे विच लिखा गया कि तुहाडा जिहड़ी बुकिंग सी उस नूं कैंसल किया जा रहा है क्योंकि जिहड़ा लैक्चर कराया जाना है हायर अथॉरिटीज़ दे वल्लों सानूं इह दस्सिया गया है कि इन लैक्चर दे नाल जां इस प्रोग्राम दे नाल जिहड़ा है उह इस शहर दी जिहड़ा उन्हां लिखिया वा कि लॉ एंड ऑर्डर मेनटेनेंस इंस्ट्रक्शन जिहड़ियां ने उन्हां दे करके जिहड़ा वा वो कैंसल किया जा रहा क्योंकि सानू हायर अथॉरिटीज वालों कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस की जिहड़ी समस्या वो इस शहर दे विच जिहड़ी वो पैदा हो सकती है। एक जानकार दे राही मैं पता करना चाहिया कि दरअसल इतराज की है जदों पुलिस प्रशासन नूं इस गल की गल की तो उन्होंने कहा कि सानू इतराज नहीं है डॉक्टर उद्दोके दे उपर सगों कॉलेज नूं इतराज है पर जदों कॉलेज नूं इस गल तों पुछया गया कि की इतराज है तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन नूं इतराज है कि असी उस दा लैक्चर जिहड़ा वो इस कॉलेज दे विच नहीं करन देना। सो ये साढ़े हालात ने कि सोशल मीडिया के उपर लिखण तों बंद कर दिता जांदा है अपनी गल रखण दे जिहड़े साढ़े समाजिक माध्यम ने उन्हां दे उपर सानू किसी तरह की आजादी नहीं उन्हां दे उपर भी सानू ब्लॉक कर दिता जांदा है। जिहड़े साढ़े समाजिक माध्यम ने वह जिहड़े ने सरकार दे वल्लों जिहड़े ने बैन कर दिते जांदे ने ते जेकर संगत दे विच जा के गल करन दा जतन किया जांदा है कि अपने विरसे तो अपने इतिहास नूं अपनी कौम नूं जागरूक करवा सकीए ते उत्थे फिर जिहड़ा पुलिस ते प्रशासन जिहड़ा उह संबंधित संस्थावां जिन्हां संस्थावां दे विच उह लैक्चर रखे हुंदे ने उन्हां दे कोलों वो लैक्चर जिहड़े ने वह कैंसल करवा दिंदा है वो जिहड़ी बुकिंग है कैंसल कर दित्ती जांदी है और दूसरे पासे जिहड़े प्रबंधक ने उन्हां दे नाल भी उन्हां दा वतीरा कोई चंगा नहीं हुंदा क्योंकि जिस वेले सिंह सभा मुंबई दे वल्लों पुलिस तक पहुँच की गई तो पहला जिस थाने दे विच खार थाने दे विच जिहड़ा पुलिस स्टेशन खार है उहदे विच जिहड़ा सीनियर ऑफिसर सी उहदे नाल गल की गई तो उसने कहा कि यह गल मेरे पद्धर की नहीं है यह गल वड्डे पद्धर तो आई है कि उसका लैक्चर इत्थे नहीं कर देना। उस तो बाद सिंह सभा के जिहड़े नुमाइंदे ने वह जो वड्डे ऑफिसर के जिहड़े हाई ऑफिशियल्स ने उन्हां दे जदों उन्हां दे दफ्तर गए तो उन्हां दा रवैया इन्ना माड़ा सी कि पहला तो सारी प्रबंधक कमेटी जिहड़े कि मुंबई के कह सकते हो कि नुमाइंदा जिहड़ियां सिख शख्सीयतां ने उन्हां नूं लंबा समा बिठा के रखिया उस तो बाद उन्हां दी गल भी ना सुनी गई तो जिहड़ा दफ्तर सी उस दे विचों उठ के जिहड़ा वह वड्डा ऑफिसर सी बाहर चला गया तो बाहर जांदे नूं जदों सिंह सभा दे एक नुमाइंदे ने पुछिया कि तुसीं साडा प्रोग्राम कैंसल क्यों करना चाहुंदे हो तो उसने बड़ा स्पष्ट किया कि मैंने कह दिया ना ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। सो ये हालात ने साढ़े कि असी अज अपने जिहड़े साढ़े सिखां दे ओह शहीद जिन्हां दे करके खालसा राज दी कायमी होई जां फिर मैं उन्हां शब्दां च कहां कि जिहड़ी गल सरदार कपूर सिंह क्या करदे सी कि इस देश दे वास्ते पंजाब सिखां वल्लों दिता होया एक तोहफा है तो उस तोहफे का नज़ारा असीं अज वेख रहे हैं कि किस तरह के नाल जिहड़ी अकिरतघनता है वह इन्हां दे वल्लों विखाई जा रही है। इस तो भला सिंह सभा जिहड़ी है मुंबई वो वालों बकायदा तौर पर एक चिट्ठी भी लिखी गई पुलिस प्रशासन को कि सानू इतराज तो दसो
इन्ना खर्च किया है लैक्चर करने के वास्ते बुलाया है, कॉलेज के कोलों परमिशन ली है, ताडे जिहड़े ऑफिसर कह रहे हैं कि लैक्चर कर नहीं देना, सानू कोई इतराज़ तो दस्या जाए कि लैक्चर करन दे नाल किस तरह के नाल अमन कानून की हालत में खतरा पैदा होंदा है। और इस चिट्ठी की भी बकायदा थाने दे विच रिसीविंग तो की गई पर किसी तरह का कोई जवाब ना दिता गया। अखीर दे उपर जदों इह गल स्पष्ट हो गई कि उन्होंने इस लैक्चर नूं जां इस इतिहास नूं संगत दे नाल सांझा नहीं करन देना, तो अखीर फिर सिंह सभा नूं इह सुनेहा जिहड़ा सी जगह जगह के उपर ला के दिता गया कि कुछ समस्यावां दे करके असी यह जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है यह मुलतवी कर रहे हैं। बेशक कि उत्थे इन्नी वड्डी नौजवानां दी गिणती सी, कुछ नौजवान थोड़े गर्मजोशी विच वी सन, वह चाहते थे कि कॉलेज के बाहर कोई मुजाहरा किया जाए जां उत्थे थोड़ा जिहा सरगर्मी कोई विखाई जाए, पर उत्थे मेरा जिहड़ा मकसद सी उन्हां दा सिंह सभा दे नाल वी गल करन दा कि शायद वह यही चाहते ने कि जिहड़े साडे नौजवान है उड़पकड़ पड़काहट दे विच आउण, ते असी किसे तरीके दे नाल इन्हां नौजवानां दा फिर पंजाब दे वांगू जिहड़ा वह शिकार खेड सकीए। सो इस तरह के नाल जिहड़े हालात ने वह पैदा किए जा रहे हैं। हुण जिहड़ी समस्या तो यह है कि जिस भी माध्यम के राही तुसी अपनी गल रखना चाहते हो, फेसबुक के राही गल रखना चाहते हो उसनू बंद कर दिता जाता, यूट्यूब के राही अपनी गल रखना चाहते हो उस बारे बंद रखना चाह कर दिता जाता है, जे तुसी अपनी कौम के शहीदों के बारे बोलना चाहते हो तो पुलिस के प्रशासन के वलों जिहड़े लैक्चर ने तुहाडे करन दे उपर पाबंदी लगा दी जाती है, तो फिर होर गुलामी किसनू कहा जाता है। हो सकता इस तों बाद यूट्यूब भी बंद कर देण, पर मैनू हुण इस ते कोई कहिंदे कोई कोई रंज नहीं है, बंद करना ते कर देना कोई इतराज़ नहीं है, केस दर्ज कर लो, पर तुसी इन्ने वड्डे सच नूं किवें दबाओगे कि अज जे तुसी आज़ादी का निग माण रहे हो तो इस आज़ादी का निग तुहानूं मानण दा जेकर आनंद का मौका मिल रहा है तो उहदे पिछे 121 दे विच्चों 93 सिर साडे लगे ने, इस देश की आज़ादी के वास्ते 90% तों वध शहादतां साडियां ने, ते तुसी इन्नी अकिरतघणता का विखावा क्यों कर रहे हो। भाई साहब भाई गुरदास तां कहिंदे ने कि भारे भोई अकिरतघण मंदी हूँ मंदे, अकिरतघण दा भार तां धरती भी नहीं झलदी, ते तुसी उन्हां दे नाल इन्नी अकिरतघणता विखा रहे हो कि जिन्हां ने तुहानूं राज लै के भी दिता ते अज चीन ते पाकिस्तान दीआं सरहद्दां दे उपर वी तुहाडे राज दी रक्षा करन दे वास्ते अपने सिर दे रहे ने, ते तुसी उस कौम दे नुमाइंदिआं दे नाल जदों तुसी इस तरह का अहसास करवा रहे हो तां फिर तुसी आप सोचो कि उस कौम दे वास्ते अगला रस्ता किहड़ा होएगा। मैं तो हैरान सी कि पिछले समयां दे विच उत्थों दे कुछ बजुर्ग नुमाइंदे जिहड़े क्या करदे सी कि स्वै निर्णय की गल जिहड़ी करन वाले सिख ने भड़काउंदे ने, ते इस वारी उह खुद कह रहे सीगे कि जेकर सानू अपने इतिहास नूं वी संगत दे नाल नहीं सांझा करन देना तां फिर जिहड़े वीर स्वै निर्णय की गल करने ने उह बिल्कुल सच कर रहे ने। जदों उन्हां ने मेरे नाल वी गल कीती ते उन्हां ने मैनूं कहा कि सानू अफसोस है असीं तुहानूं बुलाया सी पर असीं लैक्चर नहीं करवा सके, मैं कहा मैनूं कोई अफसोस नहीं, मैनू बिल्कुल अफसोस नहीं, मैनू माण है इस गलते कि मेरी कौम के इतिहास के कोल इन्ना सच है कि उस सच में सुन की जी जरूरत है वह स्टेट के नुमाइंदों के कोल नहीं, तो उन्होंने बुनियाद जी है झूठ के आधार के उपर है और यह बुनियादा जड़िया ने लंबा समा तक नहीं चलदिया होंगे, बहुत जल्दी डिग जा ने जड़िया झूठ से खड़िया होंदिया ने। बेशक मैं इस केस में अगे ले जाने की कोशिश भी करा, मैं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान उन्होंने कोल भी इस सारी गल लिखती तौर पर लैके जावगा, अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने कोल लैके जावगा, इस तो बिना सिखा दियां नुमाइंदा सिख संस्थावां ने उन्हां तों लैके मिनोरिटी कमिशन तक मैं इस गल नूं रखण दा यतन तां जरूर करांगा कि जेकर साडे समाजिक माध्यम बंद कर दिते गए ते उस तों बाद अज जेकर असीं संगत दे विच जाके इतिहास की गल भी करदे, हले कि मैं पहलां भी गल कही सी 25 सालां दे इतिहास दे विच एक भी तुसीं घटना का जिक्र नहीं कर सकते कि मेरे लैक्चर जां विख्यान करन तों बाद नौजवान उत्तेजित हो के किसी हिंसात्मक प्रवृत्ति दे विच शामिल होए होण, पर इह जिहड़ियां क्रियावां ने हुण स्टेट दे वल्लों कीतियां जा रहियां ने ते जदों सिख करदे ने फिर वह प्रतिक्रिया होंदी है, किरिया नहीं होंदी, वह तो मजबूरी दे विच सिखां नूं फिर कह सकदे हो कि किसी दूसरे तरीके बारे सोचना पैंदा, तुसीं मजबूर कर दिओ बार बार इवें दे हालात पैदा कर दिओ, तुसीं नहीं करन दोगे मैनूं लैक्चर कोई गल नहीं, मैं लिख के पैफलेट बन दवांगा, मैनूं लिखना भी आउंदा, केस दर्ज करोगे मैं जेल च बह के भी लिख सकदा, पर तुसीं इह तां सोचो कि तुसीं की कर रहे हो एक कौम दे उन्हां नुमाइंदियां दे नाल जिहड़े सिर्फ कौम दे इतिहास की गल करदे हो, जे तुहाडी सोच उन्हां प्रति इवें दी है तां फिर तुहानूं अकिरत करना तो होर की कहा जाए। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान फतेह दी सांझ सतिकार सहित आखणा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।